इसको मैनुअल सीटर बोलते हैं भाई साहब। ये डबल बैरल है, एक में खाद आती है और एक में बीज आता है जिसके अंदर, ठीक है। इसका फायदा ये है कि अगर आप इस मशीन से बिजाई करते हैं जी, तो इससे जो जहां जमींदार है लगभग 2 से 2.5 मतलब थैली जो है कपास की, वो उसके खेत में लगती है एक एकड़ में जी, ठीक है। इसमें अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो एक थैली में से भी बीज बचेंगे जी, तो लगभग 1 से 1.5 थैली की तो अपनी ये बचत होगी सर। दूसरा, इसके अंदर खाद जो डलती है 3 किलो खाद एक कट्टे से ज्यादा काम करेगी जी अपने एक एकड़ के अंदर। तो मतलब मोटा मोटी बात यह है कि एक एकड़ में जहां इसको इस्तेमाल करता है फार्मर जी, वहां पे इसकी कीमत लगभग वसूल हो जाती है। रही बात, कुछ लोग ऐसे कह देते हैं कि इस हमने 10 एकड़ में लगानी है तो हम कैसे लगाएं, 10 एकड़ में भी इससे बिल्कुल ईजी लगा सकते हैं। जिसको आपा सिंचाई बोल देते हैं जी, पड़े जिसको देसी भाषा में बोल देते हैं, आपा दिन में अगर पड़े करते हैं तो ज़्यादा ज़्यादा 1 या 2 किले में करते हैं, 1 या 2 किले में इसको दिन में आप आराम से लगा सकते हो जिससे चलेगी। हाँ, इसको ऐसे चलाना पड़ता है, एक बार मैं दिखाता हूँ। बताओ, बताता हूँ सर। अब जैसे इसको ऐसे चलाते चलना पड़ेगा सर। अच्छा, बोलेगा ना बीज ऐसे चलाना पड़ेगा सर, बीज दबेगा उसी टाइम बीज निकलेगा इसका। हाँ, ऐसे मैन्युअली दिखा देता हूँ आपको। जैसे ये जमीन पे पंच होगी ना जी, ऐसे करके ये देखो चोंच खुलेंगी, तो यहाँ से ये बीज छोड़ देगी और खाद छोड़ देगी सर। डब्बा जब छोटे हैं, हाँ जी, देखो जैसे फिर पंच करते हैं, ये देखो, ये देखो सर, जैसे ये झटके से बंद होती है ना तो अपने आप मिट्टी गिर जाती है जी इस पे। तो खाद बीज का फर्क नहीं हो गया? फर्क ही जरूरी होता है सर जी, अगर खाद बीज के ऊपर गिर गई ना तो बीज पैदा ही नहीं होगा। थोड़ा नीचे तो जाना चाहिए जैसे मशीन का अगला। देखो देखो, ये बड़ी सिस्टमेटिक ढंग से बना रखी है जी, दूरी देखो ना इसके अंदर, बिल्कुल सही काम आएगी बीज को जी, बिल्कुल सही काम आएगी सर ये बीज को। बीज कामयाब है इसमें 101% सर कामयाब है इसके अंदर। इसमें कपास बीज सकते हैं जी, कपास से मोटे साइज का कोई भी बीज होता है तो इसकी मल्टीपल इसके अंदर सेटिंग, एक मिनट बताओ, इसके अंदर मल्टीपल इसकी अटैचमेंट आती है। जैसे कि ये देखो, जैसे घिया तोरू वगैरह अगर किसी को बिजाई करनी है तो उसके लिए पकड़ो भैया एक बार, देख लो भाई। जैसे देखो मटर बोना है किसी भाई को जैसे, या फिर कोई और बड़े साइज की कोई भी फसल है जो इसमें बीज आराम से आ जाए, पकड़ना भैया। सब्जी सारी ला देगी। एक बार मैं आपको एग्जैक्टली बता दूंगा क्या क्या चीज बो सकती है जी, ये देखो डोरीपुर को बोनी है, ये चीज आप देखा हो इसके अंदर। हाँ, जापा बूर देगी, मूंगफली, मक्का, मटर, सोयाबीन, चना, नाना चौथ मुझसे कौन है, कोटन और सूरजमुखी, मूंगफली भी दे रखी है इसके अंदर, 4 और 3 7। और भी कुछ लोग इससे लहसुन भी बो देते हैं भाई साहब, जैसे हमारे कस्टमर कुछ लेके जाते हैं ना तो उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। सबसे बड़े इंजीनियर जमींदार खुद होता है जी, तो वो हाँ जी हाँ जी, उसमें कुछ दबना पड़ता है आप तो ये 2200 रुपए की मशीन रहती है सर अपनी, 2200 रुपए, हाँ जी 2200 रुपए। ये सर लोवारू मिलेगी, एलू वालिया इंटरप्राइजेस, पिलानी रोड लोवारू। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है सर जी 9813656688, 9816-56688। सर हमारी ओर से हमने डिस्पैच डाल देते हैं, डिलीवरी हमारी ओर से फ्री रहती है जी। इसका क्या रहेगा? हाँ जी पूरे भारत में सर। भाई देखिए जो यू है, जो लाओ वहाँ पे इस मोड़ का कुछ ऊंचा ऊंचा नीचे का कुछ, इसको यहाँ से एडजस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन हाँ जो हमने अभी तक कॉटन में यूज करी है, कॉटन में इसको छेड़ने की कोई जरूरत नहीं रहती। अगर अच्छा। फिर भी अगर जमींदार को जरूरत रहती है तो वो इसके अकॉर्डिंग इसको ऊंचा भी कर सकता है, नीचा भी कर सकता है। जैसे एकदम गीला है, जैसे आपने दबाया ऊंचा, देखो आड़े ही लगा लिया। यहाँ क्या है, देखो दो तीन दबे है, मैं बताऊंगा सही। आपने हिसाब तो लगाएगी दादा है, ठीक है जो बुला है, आम जमींदार से एक लेवल में ले गई थी तो उस पर नहीं हो पाएगा ये। देखो मैं बताता हूँ सर जी, देखो इसका भी एक तरीका बताता हूँ। जहाँ आप चला रहे हैं इसको, ये जमीन जुताई हुई नहीं हुई है जी, जुताई नहीं हो रखी इस जमीन के ऊपर, जुताई नहीं हो रखी, वहाँ ये चीज अंदर नहीं बैठेगी। अब जैसे जुताई यहाँ हो रखी है, मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ एक बार, देखो यहाँ बिल्कुल आराम से पंच होगा इसका बीज, ये देखो आराम से यहाँ चोंच भी खुलेगी। आप नजदीक से दिखाओ, ये देखो चोंच खुली, ये देखो ऐसे, ठीक है जुताई हुई हुई जमीन ऐसी होगी जी अपनी जो होगी ना, ये देखो यहाँ यह हर बार आप अपने हाथ से चला के देखो, आप चलाओ, आप देखो आपको महसूस होगा यहाँ पे टाइट आ गई, वहां चला के देखो
ना, दबा है, दबे ना, खुला है, रुक जा, ठीक है ना, बीज गिरा दूंगा तो नहीं चल जाएगा इसका बीज। अगर आप जैसे इससे सीडिंग करते हो आप इसके अंदर, इसका तीन या चार दिन के अंदर आपको उगाई दिखाई दे जाएगी जी, आपको बीज उगा हुआ दिखाई दे जाएगा आपको। ये थोड़ा तार छोड़ इसकी दे, इसकी भी कुछ वो रहेगी सिक्का की है जी, इसका भी कुछ रहेगा सप्रिंग इसका रहता है सर जी, लेकिन ना इतना गैप अपने को कॉटन में काम नहीं आता। ये देखो ये जो चीज होती है ना, बात इससे क्या होता है, या फीमेल बात भाई, बिल्कुल इससे जैसे पंच करते हैं तो आगे मार्किंग कर देती है ये, ठीक है, उसी गैप पे आप दूसरा बीज बो सकते हो। पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखनी है, मेंटेन हो जाएगी। हाँ, दूसरा एक और चीज मैं थोड़ा सा जुगाड़ की बताता हूँ जो इस चीज से हटके है। एक बार पकड़ो सर इसको, देखो इसके लिए लोग अधिकतर ये कहते हैं कि हमारे को अगर इसके अंदर हम मतलब मार्किंग कैसे करें जमीन के अंदर, तो उसका मैं एक तरीका बताता हूँ। साइड हो बेटा, देखो आप एक 7 फीट का पाइप या सरिया ले लो सर कोई भी, ठीक है, इस 7 फीट के सरिये पे एक सरिये के छोटा पीस 4 या 6 इंच का यहाँ वेल्ड करवा लो, एक यहाँ वेल्ड करवा लो और एक यहाँ वेल्ड करवा लो, ये गैप 3.5 फुट हो गया, 3.5 फुट हो गया सर, ठीक है, यहाँ इसके एक डंडा लगवा लो आप, ठीक है, उसको जैसे ही खींचोगे ना आप तो मार्किंग होता चलेगा, अगली बार जब आपको चलाना है तो इस मार्क पे दोबारा चलाओ उसको, तो फिर अलग से 2 मार्किंग और अलग से करते हुए चलेगा। लगेगा ना वो? नहीं लगेगा नहीं सर, उसके लिए मार्किंग पहले करनी पड़ेगी अपने को। अच्छा। ये एक देसी जुगाड़ बता रहा हूँ मैं फार्मर को, ये चीज तो खरीद लेते हैं। अच्छा, कुछ फार्मर हमारे को ऐसे भी होते हैं जी, कीमत कितनी बताई इसकी? 2200 रुपए सर। 2200? हाँ, एक फार्मर ने हमारे को बिल्कुल बढ़िया राय दी, मैं उसको भी शेयर करता हूँ क्योंकि और भाई भी जो है इस चीज को काम में ले लें। जैसे वो कहता है कि 1-2 खड़ाक, 1-2 और फिर खड़ाक ऐसे, हाँ देसी तरीका होगा, तो वो बोलता है कि भाई साहब 0 का भी फर्क नहीं पड़ता, 1 इंच का भी फर्क नहीं पड़ता जिस हिसाब से मैं चल। वालिया जी।